So what it's monosaccharides can be oxidized by relatively mild oxidizing agents such as cupric iron. समझ चुके हो आप लोग, समझा दिए हैं आपको. द कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीडाइज्ड टू ए कार्बोक्सिल ग्रुप. अब ये सब आपके लिए लॉलीपॉप है ये पूरा पैराग्राफ समझने में. ग्लूकोज एंड अदर सुगर्स कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग क्यूप्रिक आयन्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग सुगर्स. क्यूप्रिक आयन ऑक्सीडाइजेस ग्लूकोज एंड सर्टेन अदर सुगर्स टू ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है, क्यूप्रिक आयन ऑक्सीडाइज करेगा ग्लूकोज और अदर टाइप ऑफ सुगर सच एज मैनोज गैलेक्टोज और अदर डायसेक्राइड्स जिसके पास हेमीएसिटल ग्रुप है उसको टू ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एल्डिहाइड्स कीटोन्स. ओके, सो दिस इज द बेसिस ऑफ फेलिंग्स रिएक्शन. A semi-quantitative test for the presence of reducing sugar that for many years was used to detect the major elevated glucose levels in people with diabetes mellitus. पहले यूज किया जाता था फेलिंग्स रिएक्शन, but today more sensitive methods that involve an immobilized enzyme on a test strip are used. They required only a single drop of blood. तो मॉडिफिकेशन भी हो गया आजकल, एक ब्लड ड्रॉप ऑफ ब्लड से आप देखे होंगे घर में टेस्ट सुगर टेस्ट का मशीन होता है उसको टेस्ट स्ट्रिप पर एक ड्रॉप डाल के इमोबिलाइज्ड एंजाइम रहता है वहां इट गिव्स यू द रिजल्ट इमीडिएटली. पहले फेलिंग्स रिएक्शन के माध्यम से पता लगा जाता, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है. तो क्या दिक्कत था, ये स्पेसिफिक नहीं है, नॉट स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज. ब्लड में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस मैनोज प्लस अदर भी अगर डायसेक्राइड्स होंगे उस सब का रिजल्ट मिला के ये पॉजिटिव देगा. ओके, तो इसीलिए लिखा गया सेमी क्वांटिटेटिव नॉट फुल्ली क्वांटिटेटिव. ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन यू कैन नॉट से दिस इज द लेवल ऑफ द शुगर इन दैट पर्सन. It is giving you the result of all the aldehydes, sugars, and plus fructose also. They require update. आपको reducing, non-reducing complete हो गया, समझ में आ गया? आगे बढ़े? Yes, yes, yes. अब आते हैं disaccharides में. What are disaccharides? Disaccharides contain a glycosidic bond. Disaccharides are consisting of two monosaccharides joined covalently. So common example of disaccharides are maltose, lactose and sucrose. And they consist of two monosaccharides joined covalently by an O-linked glycosidic bond. O-dash glycosidic bond. इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर आल्सो नाइट्रोजन लिंक्ड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई ओवर हियर दैट दिस इज ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिकॉज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कैन आल्सो बी नाइट्रोजन लिंक्ड. सो यू कैन सी इट हियर इन दिस फिगर. दिख रहा है ये पिक्चर्स 7/10. Yes, sir. Again, same चीज है हेमीएसिटल से एसिटल का फॉर्मेशन. हेमीएसिटल तो होके रखा है द एडिशन ऑफ फर्स्ट OH ओके टू द कार्बोनिल कार्बन. अब नाउ द एडिशन ऑफ सेकेंड OH from the another monosaccharide unit to the hemiacetal will result into the formation of acetal. So now hemiacetal group is at the carbonyl carbon and the second OH group is coming from the some other carbon atom, particularly carbon number 4 here.
Now this will condense, H2O will be released, and the formation of the glycosidic bond will take place, and the formation of acetyl at the carbonyl carbon will take place. Hemiacetal से अब ये हो गया acetyl. ये acetyl नहीं कहलाएगा, acetyl यहां पर है. First carbonyl carbon, first monosaccharide के first carbon, जो कि जिसको आप कार्बोनिल कार्बन कहते हो या आप उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हो, या कार्बन नंबर वन है. एनोमेरिक कार्बन क्यों है, क्यों एनोमेरिक कार्बन क्यों कहते हैं इसको, कार्बन नंबर फर्स्ट पे जो है, क्योंकि इट गिव्स टू एनोमर्स अल्फा एंड बीटा. ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन लिनियर स्ट्रक्चर में तो कायरल नहीं था, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर में जैसे ही कार्बोनिल कार्बन आया तो अब ये कायरल हो गया. हेमीएसिटल में जो कार्बन है, हेमीएसिटल ग्रुप में, वो कायरल होता है. तो ये कायरल हो गया, तो कायरल होने की वजह से ये, ठीक है, क्या बोल रहे थे हम, दिमाग से निकल, क्या सवाल, क्या डिस्कस कर रहे थे, तो कायरल हो गया. तो अब कायरल होने की वजह से, पहले कायरल नहीं था, तो कायरल होने की वजह से अब इस कार्बन एटम पर देर इज अगेन द पॉसिबिलिटी ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि दूसरा टाइप जो होगा वो उसका मिरर इमेज होगा. ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस, मतलब कायरल हो गया, तो अब वहां पर फिर इनेंसियोमर पॉसिबल है. तो दिस हैज बिकम, सो दैट इज व्हाई दैट कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन. और इस तरह के जो आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर, उसको एनोमर्स कहते हैं. डिस्कस कर चुके हैं इसलिए. तो ये कायरल कार्बन जो था हेमी एसिटल में, वो एसिटल में तब्दील हुआ है. जो सेकेंड वाला जो कार्बन मोनोसेक्राइड में था, उसका तो कार्बन नंबर वन फ्री है ही, हेमी एसिटल. ओके, तो एसिटल जो है वो है फर्स्ट अमाइनो एसिड के, फर्स्ट मोनोसेक्राइड के फर्स्ट कार्बन पर एसिटल. तो अब देखिए ये बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फर्स्ट वाला क्या लेके चला ये, क्योंकि ये माल्टोज है, माल्टोज इज ए डाइसेक्राइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. तो अल्फा डी ग्लूकोज में OH नीचे है, OH नीचे हो गया, और बीटा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन पर भी OH नीचे है, नीचे नीचे रिएक्शन हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आराम से बन गया यहां पर. तो माल्टोज इज बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोपायरोस पायरेनोसिल डैश 1-2-4, वन में तीर लगा हुआ है, फोर में, इसका मतलब है कि दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फ्रॉम 1-4. ठीक है, 1-4 मतलब अब जो है ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि फोर पर एसिटल नहीं है, इस तीर के उल्टा, यानी वन पर एसिटल है. एसिटल ग्रुप इज एट द कार्बन नंबर वन ऑफ दिस मोनोसेक्राइड यूनिट, एंड दैट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फ्रॉम दिस कार्बन नंबर, फ्रॉम एसिटल ग्रुप ऑफ द कार्बन नंबर वन इज अटैच्ड टू द कार्बन नंबर फोर हियर ऑफ द डी ग्लूकोपायरेनोज. तो पहले जो, चूंकि ये इस, ये कन्वेंशनल है नोमेनक्लेचर का, चूंकि इसका बॉन्ड इसके साथ हो रहा है, तो इसीलिए इसको प्यूरेन एंड पायरेन रिंग बताए ही थे पहले. तो ये ग्लूकोपायरोन है गया, ग्लूकोज को ग्लूकोपायरोनोन पायरोनोज भी बोलते हैं. तो ग्लूकोपायरोनोज में फिर सिल वर्ड सफिक्स लगा दिया जाता है, सिल लग गया क्योंकि इसका बॉन्ड इसके साथ बन रहा है. बेसिकली टर्म इज कॉमन, ग्लूकोपायरन, ग्लूकोपायरन यहाँ भी कॉमन है, ग्लूकोपायरन यहाँ भी, यहाँ अंतर क्या है, ओज लगा है, यहाँ सिल लगा है. ओज इसलिए लगा है क्योंकि ये लास्ट वाला ग्लूकोज है, इसलिए ओज लगा दिया गया. ये फर्स्ट वाला है इसलिए सिल, क्योंकि फर्स्ट के साथ जो लास्ट के बीच में बॉन्ड है, तो सिल प्लस डैश ब्रैकेट के अंदर बॉन्ड कहाँ पर है, कार्बोनिल कार्बन वन एरो फोर.
अगर यही जैसे टेट आपको दिखाऊंगा ये वाला स्ट्रक्चर ट्री हैलोज में देखिए, इसमें आपको दोनों साइड एरो मिलेगा, दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है? तो दैट व्हाट डज दैट मीन? यस सर, दैट मींस बोथ साइड एसिटल ग्रुप इज, दोनों हेमिएसिटल, दोनों साइड एसिटल ग्रुप है, दैट मींस बोथ साइड द कार्बोनिल कार्बन इज इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन. सो एसिटल इज हियर एंड एसिटल इज हियर. सो दिस बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो हेमिएसिटल फ्री प्रेजेंट अवेलेबल फॉर द ऑक्सीडेशन. ओके, सो दिस ट्री हैलोज इज ऑल्सो ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज ऑफ दिस. समझ में आया आपको? ये हेमी एसिटल से ग्लाइकोसिडिल बन गया यहाँ पर. इसका भी कार्बोनिल कार्बन जो है उसी का OH जो है इसको एसिटल बनाया, और इसका OH इसको एसिटल बना रहा है. दोनों का हेमी एसिटल एक दूसरे को एसिटल बना रहा है. तो दोनों का हेमी एसिटल अब एसिटल हो गया, अवेलेबल नहीं है हेमी एसिटल. सो दिस इज ट्री हैलोज जो है हो गया आपका नॉन रिड्यूसिंग. अब ट्री हैलोज और माल्टोज में क्या अंतर है आप देखोगे तो बहुत, बस इसी का अंतर है. ट्री हैलोज भी जो है अल्फा डी ग्लूको पायरोनोसिल अल्फा डी ग्लूको पायरोनोसाइड है. लेकिन अब यही अगर चार इधर रहता तो माल्टोज हो जाता. ये वन वाले के साथ हो गया. देखो माल्टोज का स्ट्रक्चर यहाँ क्लियर नहीं है. माल्टोज इज अल्फा डी ग्लूको पायरोनोसिल 1,4 डी ग्लूको पायरोनोज. वे 1,4 के बीच में डैश यूनिडायरेक्शनल, और ये वन इसमें ट्री हैलोज में 1,1 के बीच में है ये बाय डायरेक्शनल. दोनों अल्फा है और दोनों तरफ ग्लूकोज है. इस छोटा फॉर्मूला है ग्लूकोज ब्रैकेट में अल्फा वन से डैश डैश वन अल्फा ग्लूकोज. तो ट्री हैलोज और माल्टोज का डिफरेंस आपको पता चल गया. माल्टोज में वन और फोर के बीच में है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मोनोसैकेराइड यूनिट के, और ट्री हैलोज में दोनों कार्बोनिल कार्बन के बीच में one, ठीक है. सो इसकी वजह से ये हो गया नॉन रिड्यूसिंग एंड माल्टोज हो गया रिड्यूसिंग. चलो ये समझ में आया, आगे बढ़े. सो क्या खूबसूरती है डाइसैकेराइड का कि वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, ऑक्सीजन लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन सुगर मॉलिक्यूल टिपिकली साइक्लिक रिएक्ट्स विद द एनोमेरिक कार्बन ऑफ द अदर. हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन सुगर मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद द एनोमेरिक कार्बन ऑफ द अदर. ये OH एनोमेरिक कार्बन के साथ रिएक्ट किया, ठीक, जिसकी वजह से एनोमेरिक कार्बन का OH जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो गया. ये OH चला गया वाटर में, हेवी एसिटल एनोमेरिक कार्बन वाला OH, ठीक. और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था दूसरे कार्बन पर उसका सिर्फ H गया बाहर, उसका ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में. सो दिस ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम द सेकेंड मोनोसेक्राइड. This oxygen is not part of was not part of the hemiacetal group. Okay, so the reacts with the anomeric carbon of the other. So this reaction represents the formation of an acetal from a hemiacetal such as glucopyranose and an alcohol hydroxyl group of the second sugar molecule. 7
and the resulting compound is called as glycoside. So glycosidic, so disaccharide are also glycoside. So glycosidic bonds are readily hydrolyzed by acid, but resist cleavage by base. ये property है, glycosidic bond जो है acid से hydrolyzed हो जाएगा, लेकिन base से resist करेगा और strong base देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहले से बहुत सारा hydroxyl group है. So तो अगर हम acidic group यहाँ देंगे, mild acid भी देंगे, तो ये structure disrupt हो जाएगा. But because of the presence of so many hydroxyl groups, you need to add a strong base to it to disrupt the to replace the hydroxyl group. इसीलिए base के साथ resist करता है. Thus, disaccharides can be hydrolyzed to yield their free monosaccharide components by boiling with dilute acid. Dilute acid के साथ boil करने पर दोनों unit अलग अलग हो जाएंगे. So N glycosyl bonds join with anomeric carbon of a sugar to a nitrogen atom in glycoproteins and nucleotides. चलो ये पता नहीं कहाँ से आ गया लाइन. ओके. तो N glycosyl bond भी होता है जब glycoprotein से कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज अटैच्ड होंगे. तो कैसे होते हैं? ये hemiacetal group जो है वो nitrogen से amine group जो है present in the amino acid of the proteins. तो amine और carboxylic group जो है amino acid का, हर amino acid के पास एक amine group है और एक carboxylic group है. तो कम से कम एक amine group और एक carboxylic group है ही. तो peptide bond formation में amine और carboxylic group are engaged, एक एक जो compulsory वाले हैं, क्योंकि amino acid सा deuterium. लेकिन एलिफेटिक ग्रुप में अगर एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, आर ग्रुप में भी एक्स्ट्रा अमीन है इन सम अमीनो एसिड्स, सो टू दैट अमीन ग्रुप, नाइट्रोजन ऑफ दैट अमीन ग्रुप, टू दैट नाइट्रोजन दिस हेमी एसिटल कैन फॉर्म ए बोन, सो दैट इज कॉल्ड एन लिंक्ड. तो ग्लाइकोप्रोटीन में वो मिलता है. सो द ऑक्सीडेशन ऑफ सुगर बाय क्यूप्रिक आयन, the reaction that defines the reducing sugar occurs only with the linear form which exists in the equilibrium with the cyclic forms. When the anomeric carbon is involved in glycosidic bond, that is when the compound is fully acetyl or ketyl, the easy conversion of linear and cyclic forms shown in figure 7.6 is prevented. ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए हैं. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ये सब क्लियर है ना? आगे आगे, क्योंकि चार बार रिपीट करके बोलना ठीक नहीं रहेगा. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? हेमी एसिटल है, लॉक्ड है, एसिटल हो गया, लॉक्ड हो गया. बिकॉज द कार्बोनिल कार्बन कैन बी ऑक्सीडाइज ओनली व्हेन द सुगर इज इन इट्स लीनियर फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रेंडर्स ए सुगर नॉन रिड्यूसिंग. सो इन डिस्क्राइबिंग डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, द एंड of a chain with free anomeric carbon one cannot involve in the glycosidic bond is commonly reduced at the reducing end. कहने का मतलब हुआ, even in the polysaccharide, the जो chain में जो last वाला anomeric carbon free है, उसको हम reducing end बोलते हैं in the polysaccharide. But polysaccharide such as starch is behaving like non-reducing sugar. So the disaccharide maltose contains 2D glucose residues joined by a glycosidic linkage between C1, maltose ka structure aap dekhi liye, C1 and C4, C1 anomeric carbon and one glucose residue and C4 of the other. इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना. बिकॉज द डाइसेक्राइड रिटेन्स ए फ्री एनोमेरिक कार्बन एट C1, द ग्लूकोज रेसिड्यू ऑन द राइट साइड इन दैट C1 इज फ्री, सो द माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग सुगर. ठीक, ये इस फिगर में एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, ये फिगर भी ऑलमोस्ट.
So the glucose residue with the free anomeric carbon is capable of existing. तो ये भी आपको पता है configuration of an anomeric carbon atom in the glycosidic linkage is alpha. कहां पर alpha है? माल्टोज में. यहाँ the glucose residue with the free anomeric carbon is capable of existing alpha and beta pyranose forms. alpha and beta form हो सकता है. तो अब आपको convention के थ्रू बताना. देख लीजिए ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू शुड नो हाउ दीज कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज आर नेम्ड व्हेन दे आर इन द चेन. सो टू नेम द रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड सच एज माल्टोज अनएम्बिगुअसली एंड स्पेशली टू नेम मोर कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड सेवरल रूल्स आर फॉलोड By convention, पहले तो कॉमन नेम हो गया माल्टोज लैक्टोज गैलेक्टोज ये सब कॉमनली फाउंड कोई ऐसा बट वेरियस टाइप्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक नेम देने की जरूरत है फॉर द टू नेम द ओलिगोसेक्राइड्स बाय कन्वेंशन द नेम डिस्क्राइब्स द कंपाउंड रिटेन इन द नॉन रिड्यूसिंग एंड टू द लेफ्ट. ठीक है नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है वो लेफ्ट में जाएगा और रिड्यूसिंग एंड राइट में एंड वी कैन बिल्ड अप द नेम इन द फॉलोइंग ऑर्डर. पहला गिव द कन्फ्यूगरेशन पहले अल्फा है कि बीटा है एट द एनोमेरिक कार्बन ज्वाइन द फर्स्ट मोनोसेक्राइड यूनिट ऑन द लेफ्ट टू द सेकेंड. ओके तो देखिए पहला रूल क्या है गिव द कॉन्फ़िगरेशन अल्फा और बीटा एट द एनोमेरिक कार्बन. सो फर्स्ट मोनोसेक्राइड जो है वो अल्फा है कि बीटा है एट द एनोमेरिक कार्बन. तो ये एनोमेरिक कार्बन है OH ग्रुप इसमें कहां था ऊपर था बॉन्ड बनने के पहले वो ऊपर में था तो ये हो गया बीटा. सो बीटा देन which type of whether d or l then given the d this is d. okay the second rule is name the non reducing residue distinguish 5 and 6 membered ring structure insert furano or pyrano into the name. ab is sugar ko naam dijiye d ab ye galactose tha lactose ka hai formula dikh raha hai figure aapko. Yes, sir. पहले तो दे दिया उसका नाम अल्फा है कि बीटा है. ओके एनोमेरिक कार्बन पर फर्स्ट पहला रूल क्या है कि नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है लेफ्ट हैंड साइड रिड्यूसिंग एंड राइट हैंड साइड. लैक्टोज का रिड्यूसिंग एंड जो है आपका राइट हैंड साइड है फॉर नेमिंग द नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स और पॉलीसेक्राइड पॉलीसेक्राइड. तो बीटा था फर्स्ट नॉन रिड्यूसिंग एंड पर देन डी ये गैलेक्टोज है तो डी गैलेक्टो नाम दे दिए एंड देन किस तरह का रिंग है फ्यूरेनो है कि पायरेनो है. फ्यूरेनो यानी सिक्स मेंबर रिंग पायरेनो यानी फाइव मेंबर रिंग तो गैलेक्टो है एंड पायरेनो है सॉरी पायरेनो जो है वो सिक्स मेंबर रिंग है फ्यूरेनो है फाइव मेंबर. तो पायरेनो नाम आ गया. अब इसके साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो सिल कहां से कहां तक था 1 to 4 तो यही सब रूल है इसका. इंडिकेट इन द पेरेंट थर्ड रूल इज इंडिकेट इन द पेरेंथेसिस द टू कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. पैरेंथिसिस यानी ब्रैकेट में दे दीजिए दो कार्बन एटम जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइंट किए हुए हैं तो 1 and 4 पहला का 1 दूसरा का 4. सो हियर इंडिकेटर टू कार्बन ज्वाइंट बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विथ एन एरो एरो के साथ कनेक्टिंग द टू नंबर्स फॉर एग्जांपल 1 to 4. यहां पर एरो मैं नहीं दे पाया क्योंकि सिंबल देना पड़ता ऐसे दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 to
एरो देना जरूरी है, 1-4 नहीं लिखोगे, 1-2-4, 1 तो टेल की तरफ 1 है, तो दैट मींस दिस वन इज एसिटल और दिस इज हेमी एसिटल. नो, दिस इज नॉट हेमी एसिटल, दिस इज एसिटल. हेमी एसिटल तो यहां पर है, कार्बन नंबर 1 पर. सो फॉर एग्जाम्पल इट शोज दैट C1 of the first named sugar residue is joined to C4 of the second. Fourth rule is name the second residue. अब यहां तक आ गए, अब दूसरे second residue का नाम दीजिए. क्या है वो second residue? अल्फा है कि बीटा है? पहले वो at anomeric carbon. पहले anomeric carbon पर अल्फा है कि बीटा है. If there is a third residue, तो उसको भी नाम दीजिए. और फिर बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को डिस्क्राइब कीजिए ब्रैकेट में दे करके, इसी तरह जैसे यहाँ पर किए हैं. या 4, 5, 6, 7 लंबा जितना भी ये ओलिगोसैकेराइड लंबा होगा उसी तरह से उसका नाम आप बढ़ाते जाए. लेकिन क्या हो गया, फिर ये नाम बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा नाम हो गया. ओके, बट ये इसका रियल नाम है, एड्रेस हो गया इसका, टोटल सिग्नेचर. इस नाम से पूरा समझ में आ जा रहा है इसमें क्या है, किस तरह का डाइसैकेराइड है. सो इफ देयर इज, अब ये ओलिगोसैकेराइड 2, 3, 4, 5 जितने भी मोनोसैकेराइड यूनिट है, इस तरह से अगर नाम लिख दिया जाए तो आप समझ जाओगे पूरा उसका स्ट्रक्चर. सो इफ देयर इज थर्ड, डिस्क्राइब द सेकंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन द सेम कन्वेंशन टू शॉर्टन द, लेकिन ये नाम लंबा है तो इसको थोड़ा सा और सहूलियत किया गया, इसको छोटा किया गया. टू शॉर्टन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, 3-letter abbreviations or colored symbols for monosaccharides are often used, given in table 7-1. Table 7-1 नहीं लगाए, देख लेना लेनिंजर में, table 7-1 आपको ज्यादा इंटरेस्ट होगा. तो 3-letter symbol है, जैसे galactose के लिए 3-letter symbol is gal, G-A-L, gal. Okay, glucose के लिए 3-letter symbol is G-L-C, glucose. तो अब ये 3-letter symbol की वजह से, चूंकि बीटा को और ये जो है सो बीटा को अंदर ले आया, β1-4. अब ये 4 पर ये अल्फा और बीटा दोनों हो सकता है ग्लूकोज, ठीक है. एच ऊपर हो सकता है, OH नीचे भी हो सकता है. सो इसलिए इस तरह से लिखा है. सो फॉलोइंग द कन्वेंशन ऑफ द नेमिंग ओलिगोसैकेराइड्स, माल्टोज इज, ये पूरा नियम के तहत माल्टोज को क्या कहा जा रहा है, अल्फा डी, यही लिखा हुआ जो है अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोसिल, ग्लूकोपायरोनोज, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको. माल्टोज इज अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोसिल, ओ ये लैक्टोज से हम यहां, माल्टोज इज यहां, माल्टोज कहा गया, माल्टोज इज अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोसिल 1-4 डी ग्लूकोपायरोनोज. तो ये हो गया माल्टोज का डेफिनेशन. माल्टोज इज अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोसिल 1-4 डी ग्लूकोपायरोनोज. और यहां पर फिर 1- नहीं, 1 तीर लगाना है, 1-4 डी ग्लूकोपायरोनोज. Because most sugars are de-enantiomers and the pyranose form of the hexose predominates, we generally use a shortened version of the formal name such as compound, giving the configuration of the anomeric carbon and naming the carbons joined by the glycosidic bond. In this abbreviation, nomenclature of the maltose is this, GLC. अब देखिए इसको लिख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोसिल 1-4 डी ग्लूकोपायरोनोज को, इस तरह से 3-letter वर्ड रिप्लेस कर दिए ग्लूकोज का, जीएलसी. और लिविंग सिस्टम में सब डी फॉर्म ही है तो डी लिखना की आवश्यकता नहीं है, डी. और क्या था पहला वाला, अल्फा था, तो अल्फा अंदर में ले लिए, अल्फा कार्बोनिल कार्बन का अल्फा अल्फा फॉर्म में था, यानी OH जो है वो नीचे था प्लेन ऑफ द रिंग, उससे फोर्थ कार्बन पर ग्लूकोज के, चूंकि ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन नीचे ही होगा
उसमें तो अल्फा बीटा होना नहीं, अल्फा बीटा तो कार्बन नंबर वन पर होता है, तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ग्लूकोज इन द ब्रैकेट अल्फा वन, 1, 2, 4, अगेन यहां 1, 2, 4 लिखोगे, 1-4 नहीं, 1, 2, 4 ग्लूकोज। समझ में आया आप लोगों को? कुछ पूछना है? यस सर। कुछ पूछना है किसी को? बढ़े आगे? यस सर। देखिए लैक्टोज, लैक्टोज कैसा डाइसेक्राइड है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, जहां पर फर्स्ट मोनोसेक्राइड इज बीटा डी गैलेक्टोसाइड, बीटा डी गैलेक्टोसाइड, एंड सेकेंड वन इज ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, सो द डाइसेक्राइड लैक्टोज इज फाउंड इन द मिल्क विच यील्ड्स डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। So it is made up of D-glucose and D-galactose. Okay? आप लोग डाइसेक्राइड में D-lactose नहीं लिख दोगे, ऐसा गलती मत करना। D-sucrose, D-lactose, okay? D-maltose, ये ऐसे नहीं होता है। D और L सब मोनोसेक्राइड है, and disaccharides are made up of D-monosaccharides. Okay? So this lactose is made up of D-galactose and D-glucose and occurs naturally in milk. The enomeric carbon of the glucose residue is available for oxidation and thus lactose is reducing disaccharide. The enomeric carbon available है, ये वाला carbon, जो second, जो glucose का carbon है, गैलेक्टोज का एनोमेरिक कार्बन इज इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हेंस इट इज इन द एसिटल फॉर्म, बट द ग्लूकोज का कार्बोनिल कार्बन इज फ्री हियर, फ्री टू गेट ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज इट इज इन हेमी एसिटल फॉर्म, सो इट्स एब्रीविएटेड नेम इज गैलेक्टोज बीटा। ठीक है, क्योंकि बीटा गैलेक्टोज बीटा फॉर्म के साथ किया था, बीटा गैलेक्टोज के साथ बीटा ग्लूकोज का बॉन्ड बना था इन द लैक्टोज, बीटा फॉर्म ऑफ द लैक्टोज इज बीटा गैलेक्टोज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज बिटवीन द बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ पोजिशन पर OH इज नीचे ही होगा, ओके okay? अल्फा पोजीशन पर कार्बोनिल पोजीशन पर क्योंकि बीटा है तो OH CH2OH साइड, बट फोर्थ पोजीशन पर OH इज नीचे, एंड गैलेक्टोज भी बीटा था तो OH इज ऊपर टुवर्ड CH2O साइड, तो अब इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। तो दिस कैन बी रिटन एज लैक्टोज कैन बी रिटन एज लाइक दिस गैलेक्टोज एंड इन द पैरेंथेसिस बीटा 1, 1, 2, 4 glucose. So this is about lactose. So what are sucrose? Sucrose is table salt and is a disaccharide of glucose and fructose. Dikh raha hai sucrose ka structure? So it is formed by plants but not by animals. So in contrast to maltose and lactose, sucrose contains no free enomeric carbon atom. And the enomeric carbons of both monosaccharide units are involved in the glycosidic bond. As you can see here, the carbon number one of glucose and carbon number two of fructose is involved in the glycosidic bond. Carbon number two of fructose is the carbonyl carbon, and carbon number one of the glucose is carbonyl carbon. Both are engaged in the glycosidic bond. So here also there is acetal,
and here also there is acetyl. Both at both of these monosaccharide units, the acetyl group is there. So there is no more acetyl available here. So that is why sugar is non-reducing sugar. So that is why sugar is more stable than other disaccharides. And its stability towards oxidation makes it a suitable molecule for the storage and transport of energy in plants. In the abbreviated nomenclature, the double-headed arrow connects the symbol. अब देखिए यहाँ पर इसी सुक्रोज को अब डिनोट करेंगे तो दोनों तरफ एसिटल्स हैं, तो यहाँ पर double-headed arrow आ जाएगा, ठीक है? So for the example, the abbreviated name of sucrose is glucose alpha, alpha form of the glucose के साथ किसका हुआ, बीटा फॉर्म ऑफ द फ्रुक्टोज के सेकेंड कार्बन के साथ, क्योंकि वो भी कार्बोनिल कार्बन था, दोनों साइड एसिटल है। ग्लूकोज अल्फा वन डबल हेडेड एरो टू बीटा फ्रुक्टोज, सो दिस इज द नेम ऑफ एब्रिविएशन ऑफ द सुक्रोज। और इसको उल्टा भी लिख सकते हो, फ्रुक्टोज को पहले लिख लो, ग्लूकोज को बाद में लिख लो। तो सारे डाइसेक्राइड्स जो है, डाइसेक्राइड्स को आप जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ग्लूकोज को इधर कर लो, ओके? लेकिन ग्लूकोज को इधर करोगे तो फिर एरो इधर करना पड़ेगा, ओके? एंड द कन्वेंशन इज लाइक दिस कि नॉन रिड्यूसिंग सुगर जो है, सॉरी रिड्यूसिंग सुगर्स जो है उनका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या रहेगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड, एंड राइट हैंड साइड रिड्यूसिंग एंड। तो इसमें रिड्यूसिंग एंड इज प्लेस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो हमेशा लैक्टोज को इसी तरह से लिखा जाएगा, ग्लूकोज को पहले नहीं लिख सकते हो, गैलेक्टोज पहले लिखाएगा क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग एंड है एंड ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग एंड, ठीक है? लेकिन सुक्रोज में कोई रिड्यूसिंग एंड नहीं है, ठीक है? तो उसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ओके? तो सुक्रोज को कैसे लिखे हैं, या तो ऐसे ग्लूकोज वन अल्फा, ग्लूकोज अल्फा वन डबल एरो टू बीटा फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज को पहले ले लो। तो सर यहाँ पे डबल एरो फिर क्यों करेगा, तो दोनों इक्वल? क्या क्या समझ में नहीं आया, सवाल अच्छे से पूछिए, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। ग्लूकोज अल्फा वन फिर एरो, फिर वहां पे तो एक ही एरो मिला था, फिर यहाँ पे डबल एरो क्यों होगा सर? हाँ, इसलिए होगा, वन एरो का मतलब ये है कि वन एरो का मतलब ये है कि यहाँ पर एसिटल ग्रुप है, वन पर कार्बन नंबर वन पर एसिटल है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एरो एसिटल है, फोर पर तो कोई एसिटल नहीं है, ना ही यहाँ पर हेमी एसिटल है, क्योंकि एसिटल और हेमी एसिटल कहाँ बन रहा है, कार्बोनिल कार्बन पर, कार्बन नंबर वन पर। तो ये जो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बोनिल कार्बन जो था ये हेमी एसिटल फॉर्म में था, अब ये एसिटल फॉर्म में बन गया, ग्लाइक सेकेंड एडिशन ऑफ द OH ग्रुप आया, अटैक किया, यहाँ कंडेंसेशन हुआ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये अब एसिटल बन गया। तो देयर इज अ डायरेक्शनलिटी, this arrow indicates the direction, okay? So what does this direction means? This means that this is the glycosidic bond between the carbonyl carbon and the fourth carbon of the second monosaccharide unit, okay? So fourth carbon है, तो यहाँ पर acetyl, hemiacetyl नहीं है।